बच जाएंगे। मिसेस नीता, आप डरिए मत, हमने बैग में ट्रैकर डाल दिया है। आप बैग पिलर के पास छोड़ दीजिए। ट्रैकर मार्ग पे है सर। ट्रेन आ चुकी है। तरफ सिर्फ आर्मी वाले हैं। बैग देखा जाए ना सर, बैग मूव कर रहा है, बैग मूव कर रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 की तरफ जा रहा है बैग। कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग। सर मार्टिन, उन्हें बैग नहीं मिल रहा, मुझे मेरी टीम के पास जाना चाहिए। मैं दूसरी साइड देखता हूँ, पहली बार छूट गई। हाँ हाँ, जा रहा है। स्टार्टिंग हो चुका है। सिग्नल इज लॉस्ट। क्या सिग्नल इज लॉस्ट मैडम? मार्टिन वो इधर है। ऐसा उसने मुझे करने को कहा, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? एक्चुअली कुछ दिनों से ठीक से सोई नहीं हूं मैं। दिमाग में इजीली कुछ घुस नहीं रहा है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? आप मुझसे रिपीट करवा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं अगली बार कोई गलती करूं और आप मुझे झट से पकड़ लें। लेकिन ऐसा होगा नहीं मैम, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। मैं जितनी बार बोलूं बात बदलेगी नहीं। इंट्रोगेशन की बहुत जानकारी है आपको। कैसे? वैसे आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी सब लिख लेती हूं। बबलू, एक पेन पेपर नहीं है शो? तो आपको उसका कॉल आया था? जी। फिर? हाँ ओके। अच्छा हाँ, मैं पहुंच गया हूं, रास्ता दिख रहा है। रॉनी, दादू, रॉनी दादू, दादू, जल्दी आओ दादू, प्लीज।
मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा लेकिन कोई नहीं आया। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर तक वहां बंद रहा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं अंधेरे में कुछ देर इधर उधर देखता रहा फिर बैठ गया। कागज पे लिखा था यूनिफॉर्म पहनो और जीपीएस में प्रोग्राम की हुई जगह पे 30 मिनट में पहुंचो। एक भी मिनट लेट हुआ तो बच्चे की जान जाएगी। यहां सिगरेट पीना अलाउड है? नहीं, पर शिकायत करने वाला भी कोई नहीं। थैंक यू। प्लीज बिलीव मी, रोनी अब भी उसके पास है। आप अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। आप रोनी को बचा सकती हैं। गाड़ी कहाँ है आपकी? पता नहीं, वहीं स्टेशन के बाहर छोड़ी थी। और मोबाइल? जब मैं हुगली ब्रिज क्रॉस कर रहा था तो वापस उसका फोन आया। उसने कहा मुझे मोबाइल नीचे फेंकने के लिए। मैंने उससे पूछा मुझे रोनी कहाँ मिलेगा, तो उसने बताया कि गाड़ी की डिक्की में एक बैग पड़ा है जो कि उसके बताए हुए स्टेशन में ले जाके एक दूसरे बैग से बदलना होगा और फिर दौड़कर स्टेशन के पीछे जो दीवार है उसकी उल्टी तरफ उसे फेंकना होगा। मैं फेंकने जा ही रहा था कि आपने मुझे पकड़ लिया। उसने ये भी कहा था कि अगर मैं बैग फेंकने में कामयाब हो गया तो दीवार की उल्टी तरफ मुझे रोनी मिलेगा। और आपने मान लिया? और कोई रास्ता था क्या मेरे पास? बाद में रोइए, पहले सिगरेट खत्म कीजिए। मेरे ऑफिसर्स आते ही होंगे, मेरे जितने दयालु नहीं है वो। वही ब्रांड लगता है। आपको तो खुश होना चाहिए फादर मार्टिन, आपका किडनैपर मिल गया। मैं नहीं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि आपने काफी अच्छे से हैंडल किया, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है।